सेना ने बर्फबारी में फंसे 80 लोगों की जान बचाई। लद्दाख की सियोक घाटी में 17,688 फुट ऊंचाई पर चलाया अभियान। त्रिशूल डिवीजन के सैनिकों ने चांगला की बर्फीली ऊंचाइयों पर तुरंत अभियान शुरू किया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह और सियोक घाटी के बीच 17,688 फुट ऊंचे चांगला दर्रे में बर्फबारी के बीच फंसे 80 लोगों को निकाल कर सेना ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। सेना की लेह में स्थित फायर एंड प्यूरी कोर ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि शनिवार रविवार आधी रात त्रिशूल डिवीजन को सूचना मिली कि लेह शहर और सियोक घाटी के बीच कहीं करीब 80 लोग बर्फबारी के बीच फंस गए हैं। त्रिशूल डिवीजन के सैनिकों ने चांगला की बर्फीली ऊंचाइयों पर तुरंत अभियान शुरू किया। रात में 2 घंटे तक चले बचाव अभियान में सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। इसके बाद सेना ने एक सैन्य केंद्र पर पहुंचाकर उन्हें खाने और आराम की सुविधा दी। बर्फबारी में फंसे वाहनों में पर्यटकों के अलावा स्थानीय लोगों की कारें, ट्रक व टैंकर भी शामिल थे। रास्ते से बर्फ हटाने के बाद वाहनों को आगे के लिए रवाना कर दिया गया।